सबसे पहले तो आप सबको छठी मैया का जो महापर्व है उसके जो आज शुरू हो गया, नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक छठ की बात घाट की बात है, तो ये घाट लगभग 251 फुट लंबा है, और मतलब व्यक्तिगत प्रयास से किया गया ये सबसे लंबा घाट है। कोई कई सरकारी कोई हो सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास से 100% व्यक्तिगत प्रयास से बनाया हुआ घाट ये अपने आप में बुराड़ी विधानसभा का सबसे लंबा और सबसे सुंदर और सबसे सुविधाजनक घाट है। किसी पार्क घाट पे आपको पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं मिलेगी, इस घाट पे मिलेगी। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से फूल वगैरह काफी सुंदर, फूलों का एक वो है, और साथ में खुला एकदम आपको अर्घ देने में कोई पेड़ या कोई बिल्डिंग बीच में नहीं आएगी, सूर्य देवता के सीधे आप अर्घ दे पाएंगे। आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके लिए? हमने प्रयास किया कि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जैसे बताया कि सबसे पहली दिक्कत तो पार्किंग को लेकर होती है, लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और अर्घ देते हैं, उनका ध्यान सारा गाड़ी पे रहता है, उसे पुलिस वाले गाड़ी खड़े नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहली समस्या तो पार्किंग का हमने ठीक किया। उसके बाद जब वो पूजा के दौरान उनको कोई दिक्कत ना हो, तो बड़ा विशाल घाट बनाया है, सभी कितने भी लोग आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कि रात को रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है, जो व्रती रात को रुकना चाहते हैं उनके लिए सोने की रहने की खाने पीने की भंडारा चलेगा पूरी रात। चाय की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उस पर जो चेंजिंग रूम हम बना रहे हैं, चेंजिंग रूम में उस एक टॉयलेट और वॉशरूम भी बना रहे हैं, जो हमारी जो माता बहनें आएंगी तो वो चेंज भी कर सकती हैं, साथ में नहाना जिसको है वो नहा भी सकते हैं, और थोड़ा दूरी पर टॉयलेट वगैरह भी हम की व्यवस्था कर रहे हैं। कार्यक्रम का भी कुछ व्यवस्था है क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था है, और सभी लोग जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो अपने आप सभी चीज़ें देख रहे हैं, हम उसमें व्यवस्था में हैं, वो अपना सब कर रहे हैं। और जहाँ तक पहुँचने की बात है, तो मैंने अभी बताया कि प्रधान इंक्लेव और बाबा कॉलोनी के बीच में आप अगर कोई स्थान दिमाग में आए आपके, तो वह यह घाट होगा। और दो क्रिकेट अकेडमी जो पुस्ते के साथ लगती हुई है, और कहीं पे भी आपको पुस्ते के साथ क्रिकेट की अकेडमी नहीं दिखेगी, ये अपने आप में पहली है। और इसके साथ में ही घाट है, ये अपने हनुमान जी का जो ध्वज है वो स्थापित कर दिया, तो वो भी दूर से देख सकते हैं। और उस दिन तो इतनी छटा होगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी किस नाम से घाट होगा और जिससे लोगों के पहचान लगे, पढ़ के देख के वो आ सके? देखिए, हमारा एक मिशन भी है कि ये जो क्षेत्र है ये भगवान कृष्ण की जो बचपन की है पूरे उसमें वो क्षेत्र रहा है। भगवान कृष्ण यहाँ पे गैया चराने भी आते थे, तो ये हमारा जो क्षेत्र है वो भगवान कृष्ण का क्षेत्र है। तो जब ये प्रभु का क्षेत्र है, तो हमने उसी गांव का जो हमारा नाम है वो भी बुराड़ी बोलते हैं, लेकिन वो कृष्ण बुराड़ी गाँव के नाम से पहले प्रचलित था। तो हमारा ये मिशन है कि इसको पुनर्स्थापित किया जाए कृष्ण मुरारी क्षेत्र के नाम से, तो वो हमारा प्रयास भी है, इसलिए हमने घाट का नाम भी श्री कृष्ण मुरारी छठ घाट उसका नाम रखा है। आगे आने वाले समय में क्या व्यवस्था है और भी अच्छी होगी? और एक और सवाल खड़ा होता है, जो लोग आते हैं हजारों की संख्या में, उनकी सुरक्षा को लेकर तो पुलिस की कैसी व्यवस्था है? बातचीत हो गई आपकी या सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे? देखिए, हमने जो भी प्रशासन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने व्यक्तिगत उससे नहीं कर सकते, उसमें एक अधिकार प्रशासन का होता है। बाकी हमने SDM को और हमने MCD को और हमने दिल्ली पुलिस को DCP साहब को लिखित में इसकी सूचना दी है, जो भी व्यवस्था है वो उनको लगता है वो करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे पूरा। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग प्राइवेट तौर पे अपना घाट अपने घाट बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ अनदेखी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर उन गवर्नमेंट की तरफ से अनदेखी ना होती तो शायद हमें ये नया घाट बनाने की जरूरत ना पड़ती। तो क्योंकि वो विफल हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो छठ महापर्व को लेके उदासीन हैं, वो छठ महापर्व के जो घाट हैं उनको लेके ना केवल उदासीन है बल्कि उनके लिए नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे बाबा कॉलोनी पुस्ते से उतरते ही घाट था, उसमें उन्होंने कूड़ा भरवा दिया गया, नाली का जो शील्ड होता है उसको भरवा दिया गया, वो इतनी अनदेखी का ये तो महापाप है। तो वो बिल्कुल जब उदासीन और निष्क्रिय हो गए, तब हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ा, क्योंकि जो पूर्वांचल का समाज है, इस विधानसभा में सबसे पहले जो आने वाले लोग थे उसमें पूर्वांचल का मतलब मुख्य रूप से पूर्वांचल के लोग थे, तो पूर्वांचल के लोगों के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। अब उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विधायक करे तो हम तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे भाई हैं जो उनको कोई दिक्कत ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। वॉकिंग डिस्टेंस के लिए देखिए, बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक, संत नगर बी ब्लॉक, बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक, वशिष्ठ एंक्लेव, प्रधान एंक्लेव और कंडक्टर कॉलोनी, विजय कॉलोनी, ये आसपास के जो हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पे आ सकते हैं, क्योंकि ये 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है सब। उसके अलावा रास्ता बिल्कुल ठीक है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। तो जो भी छठी
और हम तो क्षेत्र के लिए काम क्षेत्र के हिसाब से नहीं करते हैं काम, हम तो छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली से कोई कहीं से भी श्रद्धालु आता है, उन सबका हाथ जोड़ के स्वागत है। ये हमारा शिकायत के रूप में ये है कि एक पॉलिटिकल गेट विधायक जी ने हमारे यहाँ लगवा दिया है। एक्चुअली हम छठी मैया के लिए पहली बार प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल ग्रीन फील्ड एक घाट हम बना रहे हैं। तो विधायक जी को लगा कि कभी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी ना आ जाए, या रतन त्यागी जी जो छठ घाट के लिए पूर्वांचलों के लिए इतना एक अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में इजाफा ना हो जाए, तो उसमें ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक पॉलिटिकल गेट यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल हमारे गेट के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घाट के लिए उन्होंने ये गेट लगाया है वो गेट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है, वो गेट घाट आगे है, और आज से पहले कभी भी उन्होंने ये गेट यहाँ पे नहीं लगवाया था। ये पहली बार है कि जब हमने जब पहली बार ये किया है तो तब उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेट यहाँ पे लगवा दिया है, अपना चुनाव चिन्ह, अपने नेताओं के फोटो, अपना ये व्यक्तिगत उन्होंने घाट बना दिया, अपने व्यक्तिगत उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये कहा है भाई ये घाट लगा के ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घाट पे केवल उनके समर्थक ही छठ घाट बनाने जा सकते हैं, और हमारा जो घाट है वो सबके लिए खुला है, चाहे वो इस विधानसभा का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली से बाहर का हो, जो भी श्रद्धालु छठ मैया में आस्था रखता है वो हमारे घाट पे आके अपने छठ पर मना सकता है। तो विधायक जी ने ये बड़ा एक नकारात्मक और छठ पे ये बड़ी भद्दी राजनीति करी है। मैं आज ये आदम कद अपना होल्डिंग लगा के दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, और हमारे छोटे गेट के सामने इन्होंने अपना बड़ा गेट इसलिए लगाया है ताकि हमें नीचा दिखा सके, हमारी जो पूजा है उसको कमतर रख सके और अपने आप को बड़ा दिखा सके। तो मैं इनकी इस हरकत को की आलोचना करता हूँ, और मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विधायक जी को सद्बुद्धि दे और वो इस ईर्ष्या के भाव से निकले।